गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक के पोएट्री का पोएम नंबर 4 है, द लैक इसलिया फिनिश फ्री। इसका आज हम लोग सेंट्रल आइडिया करेंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लैक इसलिया फिनिश फ्री कंपोज बाई विलियम बटलर इट्स। सेंट्रल आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कई बिना देर के स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लैक इसलिया फिनिश फ्री कंपोज बाई विलियम बटलर इट्स इज दैट, यानी विलियम बटलर इट्स द्वारा रचित कविता द लैक इसलिया फिनिश फ्री का केंद्रीय भाव है कि स्टैंडिंग ऑन द रोडवे ऑन द ग्रे पेवमेंट द पोएट यर्न्स फॉर द नेचुरल एटमोस्फियर ऑफ द लैक इसलिया फिनिश फ्री, यानी सड़क के किनारे धूसर सड़क की पटरी पर खड़े हुए कवि झील के दीप इनिश्री के नैसर्गिक वातावरण की कामना करता है। एंड ही वांट्स टू गो देयर एंड एंजॉय द पीसफुल सराउंडिंग्स ऑफ नेचर, यानी वह वहां जाना चाहता है तथा प्रकृति के शांत वातावरण का आनंद लेना चाहता है। ही इज फुली फेड अप विद द सिटी लाइफ, यानी वह शहरी जिंदगी से पूरी तरह उकता चुका है या उब चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।